नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल। आज हम आपकी कुंडली में शादी से जुड़े रहस्यों को जानेंगे और हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि शादी के बाद हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मानो परेशानियों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है और ऐसी परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम कुंडली का मिलान ठीक से नहीं करते। आज हम आपकी कुंडली मिलान और गुण मिलान की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ आज कौन से खास विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली के कौन से योग से बनेगा अटूट रिश्ता? शादी से पहले कुंडली मिलान और गुण मिलान कितना जरूरी? लव मैरिज से पहले क्या कहती है आपकी कुंडली? शादी के बाद नहीं होगी कलह, नहीं टूटेगी आपकी जोड़ी। तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, हम पहला कॉलर लें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को आप मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन का हाल बताइए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों का दिन आज काफी उत्तम है। आज घर परिवार मित्रों का साथ काफी अच्छा रहेगा। कामकाज में भी अच्छा स्तर बना रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से स्वास्थ्य की तरफ से भी उत्तम हालात रहेंगे, परंतु धन का खर्चा अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए भी लगभग काफी दिन उत्तम है, जिसमें कामकाज में सफलता भी है, मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती भी दिखाई देगी। आप लोगों का हर तरह से स्नेह प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत ही चिंता हो सकती है। मिथुन राशि वालों का भी दिन ठीक ठाक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बड़ी चिंता नहीं है। कामकाज में अच्छा स्तर भी बना रहेगा, स्वभाव के अंदर काफी गंभीरता भी बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो आज खास तौर पे अच्छा दिन है। हर तरह की मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, बहुत ही खास आज का हमारा विषय है, ये बताइए कि शादी से पहले कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है और क्या ज्योतिष से जुड़ा भी होता है कुंडली मिलान? बेटा, तुमने देखा होगा दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी काम करे, पहले उसके लिए कितनी ज्यादा वो जांच पड़ताल करता है, उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हासिल करता है। फिर जो उसने काम करना है, अगर उसने मशीनों से संबंधित करना है तो वो मशीनों की परख करता है। अगर किसी माल को खरीद के उसको बनाना है तो वो माल की परख करता है। ये तो एक यूनिवर्सल सा ट्रुथ है कि आपको जो भी काम करना है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी है। इसी तरह से शादी जिंदगी का एक ही बार करने वाला बिजनेस और सबसे अहम बिजनेस होता है। इसे कह लीजिए आपकी आत्माओं का मिलन भी है, जो ये ऊपर से भी बन जाती है, ये सारी बातें सच है। लेकिन बात तो असली ये है ना कि एक बार आप जिसके साथ जुड़ते हैं उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और बहुत अच्छे तरह से हो जाए, आप उस साथी की तलाश करने लगे। और अगर उसमें कोई कमी निकल आई तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और जिंदगी की ऊंचाई, जिंदगी का रहन सहन, अपने दिमागी हालात, इन सब के अंदर विचलन तो पैदा हो ही जाती है। एक जन्म कुंडली ही ऐसी चीज है जो सामने वाले के बारे में सब कुछ बता सकती है कि इसका स्वभाव क्या है, इसकी कमाई क्या रहेगी, या ये जिंदगी के अंदर इसकी आदतें कैसी रहेंगी, परिवार के सुख इसके नसीब में कैसे हैं या कैसे नहीं हैं, और क्या इसकी जिंदगी के अंदर बच्चों का सुख है या नहीं है, और जिंदगी के कौन से मोड़ पर आकर के सुख आएंगे या दुख आएंगे। ये सब कुछ विवरण तो जन्म कुंडली से ही निकलता है ना। लेकिन जो आजकल की पद्धति है, जो अब से पहले लोग इस्तेमाल करते आए हैं, गुण मिलान की पद्धति, आप ये कह सकते हैं कि 100-200 साल पहले बहुत अच्छे ढंग से होती थी, लेकिन आज के समय में भी गुण मिलान करने वाले बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। वो इतने कम है
कि उन तक आप पहुंच जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि जिनके 30, 32, 34, 36 गुण मिले हुए वो आज कोर्ट कचहरी में खड़े हैं डिवोर्स लेने के, और जिनके आज की डेट में गुण मिलान नाम की चीज नहीं है उनके 5 गुण तक नहीं मिलते, या जिनके 10 गुण तक नहीं मिलते वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए, काम करते हुए, घर के परिवार की खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए गलती लगभग आप लोगों से हो रही है। आप गुण मिलान उन लोगों से करवा रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी भी कुंडली ढंग से नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले गलती आप, इसीलिए आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। सही मायने में तरीका क्या है कि गुण मिलान सही मायने में हर कोई नहीं जानता, इस कारण से गुण मिलान पूरी तरह से हो भी नहीं पाता। आपको देखना क्या है, आप मेन खास खास चीजें देखिए। सबसे पहले अपने घर से सवाल लेकर के चलिए कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या इसका स्वभाव अच्छा है। दूसरा उसे पूछे क्या इसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तीसरा क्या इसके नसीब के अंदर पति का सुख और इसका अपना जीवन क्या अच्छा है, और बच्चों के सुख से संबंधित क्या इसकी कुंडली में योग अच्छा बैठा है। और अगर लड़के की भी कुंडली लेके जाते तब भी आपको यही सब कुछ पूछना, और दोनों का मिला के, क्योंकि आज का जो जमाना है वो ऐसा जमाना हो गया कि मियां भी कमाता है और बीवी भी कमाती है। तो आज के जमाने में सबसे अहम चीज ये देखने वाली हुई कि कमाई के योग क्या इनकी कुंडली के अंदर है, और आपस में इनका स्वभाव तभी मिलेगा अगर एक ये भी सौम्य होगा, ये भी सौम्य होगा। अगर ये थोड़ा दिमाग का तेज है या जुबान का तेज है तो अगर इसकी भी कुंडली के अंदर यही थोड़ी सी तेजी निकलती है तो इन दोनों को अगर मिला देते हो तो बेटा ये एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एक बहुत गर्म हो और दूसरा बहुत नरम हो ऐसी कुंडलियां ज्यादातर आपस में चला नहीं करती बेटा। इसी को आज की डेट में गुण मिलान आप मान लीजिए। अगर आप इस तरह से जांच के चलते हैं और ये देख करके चलते हैं कि जिन दो बच्चों की आप शादी करने जा रहे हैं उनकी कुंडली में कहीं डिवोर्स होने का, अलग होने का कोई योग तो नहीं है, ठीक है, अगर इन सब चीजों को आप पहले देख करके चलते हैं तो आप शादी के बाद चोट नहीं खाएंगे। वरना ज्यादातर तो आजकल के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। दूसरा, ये संभव हो सकता है कि आप ही के बच्चे की कुंडली के अंदर ऐसा कोई खराब योग हो जिसके कारण मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। तो बेटा इसका तो सिंपल सा निदान है, आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली शादी से पहले दिखाएं और सबसे पहले ये जानें कि क्या इसकी मैरिड लाइफ के सुख इसकी किस्मत में है, और अगर मैरिड लाइफ के सुखों के अंदर कोई भी कमी निकलती है उसकी जन्म कुंडली के अंदर उसका शादी से पहले पहले ही उसका निदान कर दें। और मैंने अपने जीवन में हजारों बार ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शादीशुदा जिंदगी के सुखों के लिए कमी लिखी है और उसका शादी से पहले अगर उपाय हो जाता है और सही उपाय हो जाता है तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है बिना किसी भी गलत। गुरुदेव, आज हम शादी और कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे जहन में भी आया। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जन्म का वक्त नहीं पता होता, जन्म की तिथि नहीं मालूम होती, वो लोग कैसे कुंडली मिलान करें जब सही तरीके से जानकारी ना हो। पुराने जमाने में क्या किया जाता था, ये पूछा जाता था कि भाई इसके चाचा चाची कौन है, इसका ताया और ताई कैसे है। फिर पूछा जाता था, अच्छा इनके घर की लड़कियां कहाँ कहाँ ब्याही हैं, बुआ कैसी है, इसकी कोई बड़ी बहन है तो वो कहाँ ब्याही है, ये सब कुछ जाना जाता था। उसका कारण क्या है, कोई भी इंसान अपने खानदानी ग्रहों से नहीं बच सकता। जो उसके खानदान के अंदर ग्रह चलते आए हैं वही आगे चलने होते हैं। वो घर पे बैठे कहते हैं ना, ये देख ये अपनी बुआ जैसी है, ये देख ये अपनी माँ पे गई है। बेटा ये सच बात है, खानदान के खून में ही आते हैं। इसलिए अगर जन्म कुंडली नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है और कुंडली नहीं मिला जा सकती तो ऐसे में अगर लड़का देखने आप जा रहे हैं तो उसके चाचा, ताऊ, दादा और उसके पिता की गृहस्थी के बारे में पता करें। अगर उनमें कोई तकलीफ नहीं रही, वहां पर किसी की दो शादियां नहीं हुई और किसी तरह के लड़ाई झगड़े आपस में नहीं बड़े हुए तो वहां पर शादी की जा सकती है। और अगर लड़की देखने जा रहे हैं
वहां डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो फिर एक सिंपल सलाह, सिर्फ लड़की की बुआओं के बारे में और उसकी बहनों के बारे में पूछ लीजिए और वहां जांच कर लीजिए कि वो कैसे उनके हालात रहे हैं। वो अपना अपना अगर घर बहुत अच्छे तरीके से बसा के बैठे हैं, अपने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हैं, तो आपको उस घर की लड़की लेने में भी कोई परहेज नहीं। एक सिंपल सा तरीका जो पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था वो आज भी कारगर है, आप इसको करके देखिए, कहीं ज्यादा भटकाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव, अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जन्म की तिथि या जन्म का वक्त नहीं मालूम तो क्या करना चाहिए। ये भी सुनने में अक्सर आता है कि नाम क्या है लड़के का, नाम क्या है लड़की का, दोनों के नाम से कुंडली मिलान होता है, ये कहाँ तक सही है? ये 100% गलत है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है उस वक्त की या तो राशि को काउंट किया जाए और उससे कुंडली मिलान किया जाए वो बेहतर है। दूसरा, या फिर इंसान की पूरी तरह से जिंदगी देखी जाती है कि अल्टीमेटली उसके अंदर सुख कितना है और दुख कितना है, और सुख है तो किस हिस्से का है, दुख है तो किस हिस्से का, यह भी सही तरीका। और तीसरा, जो मैंने अभी रिश्तेदारी के हालात बताए कि चाचा ताऊ को देखा जाता है, दादा को देखा जाता है, या फिर बहन और बुआ को देखा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो नाम के साथ कुंड मिलान की बात है, अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं देख रहे, सिर्फ एक नाम राशि का रख रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। ज्यादातर आजकल ऐसा होता आया है कि अगर बच्चे की कुंडली नहीं मिल रही है तो क्या कहा जाता है कि जी इसका नाम बदल दो, और नाम बदल के अगर ये नाम रख देते तो फिर कुंडली मिल जाएगी। बताइए, ये कोई साइंस हो गया? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कभी भी ना हुआ, ना कभी था। इसीलिए जो लोग जबरदस्ती कुंडली मिलाने के लिए नाम बदल देते हैं या नाम के हिसाब से कुंडली मिलाते हैं, वो कहीं भी चोट खाएंगे। यानी कि आपको पता है कि अगर कुछ भी बन रहा है उसमें जो मर्जी उठा करके डाल दो, ये देखे बिना कि इसका स्वाद क्या होगा, वो तो बाद में पता चलेगा ना। आपने अगर कुछ भी डाल के कुछ भी बना दिया तो वो नेचुरली बात है कि या तो स्वाद अच्छा बन जाएगा या बहुत ही बुरे स्वाद का बनेगा। इसी तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका जो सही तरीका है उनको आप अपना करके चले, आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप जिन माँ बाप को देख के, उनकी इज्जत को देख के, उनके स्वभाव को देख करके जो बच्चा देते हैं या लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सही मायने में होना ये चाहिए कि आपको बच्चे की सुख और दुख, उसके स्वभाव, उसके काम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जन्म कुंडली से पता चलता है। और शहरी जिंदगी के अंदर वो पुराने वाली बातें भी नहीं पता चल पाती कि जिससे कि आप अड़ोस पड़ोसी या रिश्तेदारी से कुछ पता कर सके। तो इसीलिए आपके पास मात्र एक चारा बचता है और वो है जन्म कुंडली का सही अध्ययन करवाना। ठीक है, ये अगर आप करवा के करते हैं तब आपकी जिंदगी आसान रह सकती है, नहीं तो इस दुनिया में तो बेटा फिर सब कुछ ही होता है। शादी के बाद डिवोर्स भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, दुख भी होते हैं। तो अगर आप नहीं सजग होंगे, आप नहीं पूरी तरह से ध्यान रख के इन चीजों का शादी करेंगे, तो बेटा तकलीफ अगर हुई तो वो भी आप ही को होनी है। तो इसलिए हर चीज का पूरा ध्यान रखकर चलें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला तो हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन हमारे दर्शक कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जानना चाहते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, हर तरह से मन प्रसन्न बना रहेगा। आज जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी, मित्रों का अच्छा साथ व सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का भी सुख बना रहेगा और कोई न कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा है, दिन शुरू होते होते आज आपका काफी अच्छा दिन बीत रहा होगा, आपकी आशाएं भी पूरी होंगी, परंतु परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी, जिसके कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, अपने यहाँ या अपने किसी जानकार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक कार्य तो होगा, परंतु बेमतलब का कोई न कोई आरोप, बेमतलब की कोई न कोई बाधा आपको पकड़ सकती, और जिसके कारण किसी न किसी के घर में स्वास्थ्य के भी खराबी के हालात उत्पन्न होने के कारण दिमाग में चिंताओं का दौर ज्यादा पड़ सकता है। थोड़ा संयम रखें, परमात्मा का नाम लेकर चलें। गुरुदेव, बहुत ही खास आज का टॉपिक है शादी और कुंडली मिलान। अब ये बताइए, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है और उनकी कुंडली मिल नहीं पा रही है तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे शादी के बाद कोई दिक्कत ना आए उन्हें? आप अगर लव मैरिज भी करने लगे हैं ना, तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए
अपनी अपनी कुंडली दिखाना, क्योंकि प्यार है अपनी जगह है, और क्योंकि और भाग्य जो है वो अपनी जगह है, क्योंकि शादी के बाद का जीवन जो कुदरत ने आपका निर्धारित किया है, अगर वो खराब वाला हुआ तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए पहले से सचेत रहें। आप खाम खाई के मन के बहाव में बहकर के भाव वेश में गलत डिसीजन ना ले लेके, मैं आपके जीवन साथी जो होने वाला उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल समझदारी के साथ सबसे पहले अपनी और अपने होने वाले जीवन साथी की कुंडली का वो विवेचना करें। उसमें बड़े आराम से बैठ के आचार्य जी से पूछे कि कमाई में, गृहस्थी के चलाने में, बच्चों के सुख में, परिवार के सुख में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, जीवन का कोई खतरा तो नहीं, पहले इन सब चीजों के बारे में जाने, और अगर इनके किसी भी हिस्से में अगर कोई दिक्कत निकलती है आप थोड़ा उसको क्या मतलब कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, शर्त ये होनी चाहिए। लव मैरिज करने वाले बहुत से जोड़े बहुत खुशहाल जीते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे अरेंज मैरिज करने वाले भी जोड़े कौन सी खुशहाल जिंदगी जी पाते। तो किसी के भी भाग्य में कुछ भी हो सकता है, यहाँ लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात कोई नहीं है। अगर मैरिज करनी है तो जोड़े को अपनी कुंडली दिखा के अपने भविष्य के लिए पहले कमियों को जान करके उनके उपाय करके तब शादी करनी चाहिए, जिंदगी तब अच्छी और खुशहाल जाएगी। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं। ग्वालियर से कमलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान हमें बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी गुरु जी, नाम कमलेश मिश्रा, 19 जून 1974 रात्रि 2 बजे, जन्म स्थान इंदिरा। आप पूछना क्या चाहते हैं? बहुत कोशिश करते हैं पर व्यापार में मन ही नहीं लगता, जाने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं पर कुछ मन ही नहीं लगता गुरु जी। बेटा जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का टकराव हो तो कहते चाहे जीवन साथी हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सेहत हो, इनका धुआं तो निकलना ही होता। ऊपर से मंगल चौथे घर का, कहते हैं अपना ही गुस्सा और अपनी ही गलत आते काम की खराबी का कारण बनेंगे। और बाद में इस योग को ऐसे भी कहा जाता है कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। लेकिन एक योग ऐसा है जो इन दोनों के बुरे प्रभाव को काफी कम भी कर रहा है, जिसकी वजह से तुम काम पे जा भी रहे हो, घर आने को मन भी करता है। जिंदगी के अंदर पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, इनके लिए खराबी के योग भी लिखे हुए हैं, लेकिन हालात चली भी जा रहे हैं। तो बेटा इस योग का पहले इलाज करो। सबसे पहले हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करो, और दूसरा मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबा, और फिर तीसरा उपाय, ये बेइंतहा जरूरी उपाय है, अगर ये उपाय नहीं हुआ तो टोका टाकी की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, आलस बहुत बढ़ेगा, काम पे मन नहीं लगेगा, याद रखने की क्षमता कमजोर होती चली जाएगी, और जब तक पिता और भाई का साथ है बस तब तक जिंदगी अच्छी और उसके बाद में खराब। और इसलिए इस उपाय को करने के लिए बृहस्पति की पोटली, यानी कि जिसके अंदर 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते और थोड़ा सा उसके अंदर केसर और 1 सूरजमुखी का फूल, ये पीले सूती कपड़े के अंदर लपेट करके इसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो बेटा तुम्हारी जिंदगी आगे की बहुत उत्तम नहीं रहेगी, तो इसलिए इस उपाय को करो, इसके बाद काम भी अच्छा रहेगा, गृहस्थी भी अच्छी। और हमें यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुंडली मिलान से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए पहला सवाल हम गुरुदेव से लें, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले ये जानना चाहते हैं गुरुदेव कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम, आज आपका दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव वो भी बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, कामकाज और सहकर्मियों के साथ में भी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन छुट्टी मनाने के मूड में, यानी परिवार वालों के साथ में ठीक ठाक सुख सहयोग रहेगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, यानी कि आराम करने के लिए दिन ठीक ठाक है। धनु राशि वालों के लिए आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए तो अच्छा दिन है, यानी कि उनके साथ ठीक ठाक हालात रहेंगे, परंतु बेवजह की वाद विवाद
परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको या आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है और क्रोध को नियंत्रण में रखें। ये ज्यादा बढ़ गया तो घर का माहौल ज्यादा खराब हो सकता है। गुरुदेव, आज हम शादी की बात कर रहे हैं और कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। शादी में बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, शादी की बात चलती है और टूट जाती है। तो ये कौन से दोष होते हैं जो शादी नहीं होने देते और इनसे बचा कैसे जाए? जन्म कुंडली के अंदर जब भी सातवें घर के अंदर कोई बहुत ही खराब ग्रह बैठे हुए होते हैं तो शादियां कई कई हो जाती है और कोई भी शादी नहीं चल पाती। एक तो ये योग, और दूसरा जब जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें घर के अंदर ज्यादा ग्रह बैठे हुए हो तो तब इंसान की शादी नहीं हो पाती। ये एक सिंपल लॉजिक आज आप सबको बताया है। ऐसे में इंसान बार बार कोशिशें करता है, देर तक की उम्र की कोशिशें करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती शादीशुदा जिंदगी में। इसलिए अब आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे उत्तम हालात तो एक ही है कि आप देखिए आपकी जन्म कुंडली के सातवें घर के अंदर कौन सी राशि बैठी है और सातवां घर खाली होगा, और जो राशि बैठी हुई है बेटा उससे संबंधित जो भी ग्रह है बेटा वो धरती माँ को अर्पण करना शुरू कर दो। धरती माँ को अर्पण करना कहने का मतलब कोई भी जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो लेकिन लोगों का कोई आना जाना ना हो, वहां जाकर के बेटा इस सामान को, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को उस धरती के ऊपर रख करके एक तरह की पूजा करना, कहने का मतलब सिर्फ प्रणाम करके आ जाना, और इस तरह से 43 बार सिरे तक पहुंच के वो भी खत्म हो जाती है। ये होता है चंद्र और मंगल की कमजोरी। ये चंद्र और मंगल की कमजोरी ये बेटा ये भी शादी नहीं है। ऐसे में जन्म कुंडली के अंदर मंगल जिस भी अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो उसका उपाय करना, उसका उपचार करना बेहद जरूरी होता है। और अगर आपके पास में कोई भी विद्वान ऐसा नहीं कि आप उसका उपाय कर सके तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर आप लड़की हैं तो आप नहीं कर सकती, अगर लड़के हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, और अगर लड़की है तो आपके भाई या पिता कोई भी कर सकता हो। तो ऐसी अवस्था में घर वालों को कहें वो हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना शुरू करें जिसमें कि हनुमान जी वाला सिंदूर और चमेली का तेल होता है। तो इन उपायों को करें, शादीशुदा जिंदगी जरूर होगी, परमात्मा का जरूर आशीर्वाद प्राप्त। गुरुदेव, आप हमारे बहुत से कॉलर्स को ये बताते हैं कि कुंडली में वैवाहिक सुख नहीं है, शादी के बाद दिक्कतें लिखी हुई हैं। क्या ऐसे दोष होते हैं कि शादी के बाद दुखी रहेंगे, और क्या ऐसे भी कुछ दोष होते हैं जिनके बाद शादी नहीं ही करनी चाहिए? पहले वाली बात बेटा वो तो तुम्हें बोल ही दी और मैं रोज बोलता भी हूँ क्योंकि जन्म कुंडली तो हजारों लाखों तरह की है तो उनके बारे में क्या बात करें। ये बात सच है कि अगर जन्म कुंडली में हालात ही ऐसे बन जाए कि जीवन साथी के घर का जो ग्रह है, यानी कि मान लीजिए कि मंगल सातवें घर के अंदर बैठा हो और उसकी राशि तीसरे और आठवें घर के साथ कंसर्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर कोशिश यही करनी चाहिए कि शादी ना की जाए, क्योंकि जब भी शादी होती है तो जिंदगी नरक से कम नहीं होती। इसीलिए अगर ज्यादातर ग्रह तीसरे और आठवें घर के साथ में कंसर्न हो जाए और वो खराब ग्रह शादीशुदा जिंदगी के घर में बैठ जाए तो शादी होने के योग तो होते हैं बहुत कोशिशों के बाद, लेकिन वो शादी की या ना की एक ही बराबर होती है। हमारे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं बेटा जिनको हमें स्वयं बोलना पड़ता है कि अगर तुम शादी ना करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा उत्तम होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफें हैं तो हम उसके उपाय देते हैं, अगर थोड़ी बड़ी भी तकलीफें हैं और समय के बाद ठीक होने वाली है तो तब भी हम उपाय करके उसको ठीक करके वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिसको सारी जिंदगी ही नहीं ठीक होना होता तो वहां फिर हमें डिसीजन देना पड़ता है कि ये उपाय कर और यही तेरे लिए उत्तम रहेगा, और अगर शादी ना करे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आज तक मैंने अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 100-150 लोगों को ये डिसीजन दिया होगा, लेकिन जब भी डिसीजन देते हैं मन पे हमारे भी जोर पड़ता है, लेकिन बेटा उसको जो उम्मीद करके आया उसको सही सलाह देना ये भी तो हमारा फर्ज है, तो कई बार ऐसी सलाह देनी पड़ती। गुरुदेव, अब आगे बढ़ते हुए बहुत अहम बात ये भी, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन घर में ना तो कमाई का कोई जरिया दिखता है, आए दिन क्लेश होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं? वैसे अगर शादी हो चुकी है और कमाई भी और क्लेश भी दोनों ही हालात अगर हों तो वहीं पर हमारे संस्कार अब काम आने वाले हैं। ऐसी अवस्था के अंदर कहते हैं जब कमाई की भी दिक्कत हो और घर में क्लेश भी बहुत हो तो बृहस्पति देव को खुश करना बहुत जरूरी होता है।
और बृहस्पति देव को खुश करने के लिए तो बहुत ही एक आरामदायक एक उपाय बना हुआ है। हर घर के पास में मंदिर है और मंदिर के अंदर पीपल है, और पीपल जो हो वो थोड़ा बड़ा हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और ऐसे में बृहस्पति वार का व्रत चाहे आदमी रखे चाहे औरत रखे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में बृहस्पति वार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना और बृहस्पति वार की कथा करना, ये बेइंतहा जरूरी है। और बृहस्पति वार को ही पतीसे का प्रसाद बांटना या बेसन की बर्फी का प्रसाद बांटना बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ही खराब अवस्था के अंदर हो जाते हैं उस वक्त में यही उपाय काम आते हैं और जो जीवन के अंदर सुख देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके कोई भी सोने का बेशक छोटा मोटा कोई छल्ला ही बना करके पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी की गांठ, ये सब इकट्ठी करके अगर अपने कुल पुरोहित को दे करके उसके पांव हाथ लगा करके घर के अंदर सुख शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर के आ जाए तो बेटा वैसे ही दुख सारे कट जाएंगे। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपके कुल पुरोहित कौन है तो बेटा फिर सबसे उत्तम है कि अपने घर के आसपास के जो भी मंदिर है वहां देखिए कि कोई बहुत ही बुजुर्ग सफेद बालों वाले वो पंडित हो जिनको वाकई में देखते हुए आपको 10-20 साल हो चुके हैं और वो हमेशा परमात्मा की शरण में रहे हैं, पूजा पाठ वहां करते रहे हैं। तो बेटा यही सारा सामान यानी कि थोड़ा सा सोना, पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी की गांठ, ये सब कुछ ले जाकर के उनको अर्पित करें और उनके पांव हाथ लगा करके मियां बीबी ये आशीर्वाद मांगे कि प्रभु हमारे घर में समृद्धि की कमी है, हमें समृद्धि का आशीर्वाद दे, हमारे घर में क्लेश बहुत रहता है, हमारे क्लेश को दूर करें। जब आप मांग करके ये आशीर्वाद लेते हो वो भी बृहस्पति से, तो तब आपको वो जो दुआ मिली हुई है बेटा वो काम आती है और वाकई में बृहस्पति देव अपना दोष छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद अपने जीवन का ये नियम जरूर बना के रखें कि हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत कम से कम 7 बार लपेट करके उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना है। तो जो भी परिवार ये करता जाएगा उसके घर से कलेश खत्म होगा और समृद्धि कभी खराब नहीं होगी, परमात्मा किसी न किसी बहाने आपके घर तक समृद्धि पहुंचाता है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शक मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज कामकाज के अंदर तो अच्छा दिन है, यानी कि उस तरफ से कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। किसी भी तरह की यात्राओं पे जाना आज आपके लिए शुभ बिल्कुल नहीं होगा, उसमें यात्राओं में कोई अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है और जिस काम पे गए उसके लिए भी हो सकता है कि निराशाजनक परिणाम ही आपके सामने, इसीलिए यात्राओं से बचे, अगर हो सके तो अपने घर पर रहे या काम की जगह पर रह करके ही अपना मन लगाएं। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन ठीक ठाक है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन हो, कोई खेल जितना हो उसके लिए दिन होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम है। आज किसी के साथ में भी बेमतलब के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, अगर ये हो गया तो आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, कसूर आपका साबित होगा, जिसके कारण आपका पैसा भी खर्च होगा और परेशानी, दिमागी तनाव तो बढ़ना ही पड़ना, तो इसीलिए आज अपने अंदर धैर्य बनाए रखें तभी दिन उत्तम गुजरेगा। मीन राशि के लोग आज अपने घर परिवार में हीरो बनेंगे, क्योंकि सबका सहयोग भी प्राप्त होगा और घर की जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से आज निभाते हुए नजर आएंगे और आज वो जो भी कार्य करेंगे आप लोग उसी में आपको सफलता ठीक ठाक हालात में मिलेगी और इसीलिए मैंने कहा कि आज आप घर के हीरो रहेंगे। इस शो के जरिए गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का समाधान आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने भविष्य से जुड़े, अपने जीवन से जुड़े सवाल का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो आपको बहुत आसान काम करना है। अपने मोबाइल पर जाकर चल मैं लग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने सभी सवालों का जवाब आप वहां से पा सकते हैं। और इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ग्वालियर से प्रीति शर्मा। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान हमें बताइए। मेरा जन्म है 1980 15 अक्टूबर शाम 5:35 और स्थान है ग्वालियर। आपका सवाल क्या है? किसी भी काम में हाथ डालती हूँ वो मेरा कभी सफल नहीं होता, इसका कोई अगर उपाय निकल सके तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे उपाय बताएं।
बेटा तुम्हारी कुंडली तो मल्टी टैलेंटेड कुंडली है, कहने का मतलब किसी भी तरह का काम कर सकती है, चाहे लिखाने पढ़ाने का, किसी कंपनी के अंदर किसी भी ओहदे पे होना, किसी भी तरह के मेडिएशन के काम करना, किसी भी तरह के लाइजनिंग के काम करना, नौकरियां करना, सारे योग है तुम्हारी कुंडली में। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर है काल सब दोष पांचवें घर का, जो कभी भी कामकाजों के अंदर नौकरियों के अंदर तो खास तौर पे लाभ को टिकने नहीं देता, बच्चों की तरफ से सुख नहीं देता, पारिवारिक सुख के अंदर कमी पड़ी रहती है और सिर्फ खाली जेब रईस बनता है आदमी। इसका इलाज करो, सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे काम सफल होंगे और गृहस्थी का जीवन भी बहुत उत्तम मिलेगा। और वो उपाय क्या है, साल में एक बार कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके वो भरो और बाद में देसी घी को गर्म करके बिल्कुल पिघला के उस हलवे के ऊपर डालो, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा उसमें डालकर मुंह देख करके उसको बेटा राह चलते किसी भी गरीब आदमी को कटोरे सहित दान दे दो। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा, तुम्हारे घर की जो दहलीज है वो जितनी चौड़ी दहलीज हो आधा इंच चौड़ा चांदी का पत्रा लेकर के उसके ऊपर लगाना, ये बहुत जरूरी है। और अपने घर की दहलीज के ऊपर कभी जंग नहीं लगने देना, कभी कोई टूट फूट ना हो, पेंट खराब नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला उपाय, 43 दिन लगातार शनि मंदिर के अंदर जाके दूध दे के आओ। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, हर तरह के तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, परमात्मा की दया से कामकाज होंगे और तुम्हारे सारे काम बनेंगे, बच्चों की तरफ से भी सुख मिलेगा। अगर बच्चों को ज्यादा तकलीफ आ रही हो, बच्चों के सुख से संबंधित तकलीफ आ रही हो, तो हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोड़े लेके जल प्रवाह कर देना, सारे दुख अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। माता रानी से। गुरुदेव, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और अब शो खत्म होने की तरफ आगे भी बढ़ा है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुरु मंत्र हम लेंगे। हमारे दर्शकों को कुंडली मिलान से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा कुंडली मिलान से संबंधित तो मैं आप सबको बता ही चुका हूँ कि ये जो आप गुण मिलान करवाते हैं और बिल्कुल आम लोगों से करवा लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और गुण मिलान की जगह अगर आप मेरी बात को माने कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कुंडली दिखा करके इतना जाने कि इनका शादीशुदा जीवन मियां बीवी के लिए कैसा रहेगा, औलाद के सुख कैसे रहेंगे, कमाई के सुख कैसे रहेंगे और परिवार के सुख कैसे रहेंगे, ये आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और सबसे बड़ी बात कि दोनों में से किसी एक की भी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक की भी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग यानी कि अलग होने के योग हुए, तो बेटा आज का जमाना ऐसा है कि कोई भी आजकल एक दूसरे की बात को देर तक नहीं सहता और बहुत जल्दी डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अलग होने वाले हालात को पहले जांचें। ठीक है, रही बात आज के गुरु मंत्र, हालात कैसे भी हों, अगर बहुत ही खराबी के हालात तक शादीशुदा जिंदगी पहुंच गई है और अलग होने के कगार पे हो, या शादी तय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, तो बेटा इन दोनों के लिए आज का ये उपाय, और वो क्या है, 4 छुआरे लेकर के उनको 4 गिलास पानी के अंदर उनको उबाले और थोड़ी देर और ज्यादा उबलता रहने दे, यानी कि कम से कम आधे पौने घंटे तक उबलता रहने दे। उसके बाद उसको गैस से उतार करके ठंडा करें, ठंडा करके उनको छुआरों सहित उस पानी को लेकर के जाके जल प्रवाह करें और इस प्रकार से आपको 43 दिन करना है। तो जिनकी शादी हो नहीं रही उनकी शादी होने के हालात बन जाएंगे, और जिनकी गृहस्थियों के अंदर बेहद कलेश है और अलग होने के हालात बन चुके हैं, बेटा वो भी आपको टलता हुआ नजर आएगा और परमात्मा की दया से पारिवारिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, दाता सुख। तो आज का शो देखने के बाद कुंडली मिलान और गुण मिलान से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको जरूर मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप करते रहिए, आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश है बख्शेदा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।